नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आधा फुल की दुनिया में। तो आप सब अगर अपनी अपनी जगह पर जम गए हो तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी आधा फुल की। एक मिनट, उसके पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। ये है मानव और मैं हूँ नेहा, और हम दोनों मिलकर सुनाने वाले हैं कहानी। जी हाँ, और पता है कहानी क्या है? पता है? आगे बताओ, बताओगे तब पता चलेगा ना। हाँ तो मैं बताने तो वाला हूँ, मैं बताने जा रहा था, तुम बताने दो कि तब बताऊंगा ना। तो मैंने कब रोका? अच्छा, अब हो गया तो आगे बढ़े। हाँ। तो ये कहानी है तीन लोगों की, आप की तरह जो बड़े हो रहे हैं बदलीपुर में। किट्टी, तारा और अदरक। किट्टी, तारा और अदरक। हाँ। थोड़ा डिटेल में बताओ ना। अच्छा नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। तो हमारी किट्टी है 16 साल की, तारा है 11 साल की और अदरक है 15 साल का। ये जो हमारी तारा है ना, इसे टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट इन सब का बहुत शौक है। और जो किट्टी है ना, वो बहुत जोशीली है, कभी पीछे नहीं हटती, बहुत हिम्मत वाली है। और अदरक है एकदम जुगाड़ू। और ये तीनों रहते हैं बदलीपुर में। जी हाँ, और बदलीपुर में आजकल आए हुए हैं आचार्य मिलन देव, जो शादियां करवाते हैं। इधर किट्टी को बनना है इंजीनियर, और उसके बाबूजी के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि किसी भी तरह से किट्टी की शादी हो जाए। अब किट्टी को भी शादी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। इतना आसान भी तो नहीं है अपनी बात मनवाना, मम्मी पापा को ये समझाना कि आप क्या चाहते हैं। अब देखते हैं किट्टी की चलेगी या बाबूजी की, अभी पता चल जाएगा। देखते हैं आधा फुल, आप भी देखिए, फिर मिलते हैं एंड में। भैया जी आ गया। एक मिनट, सीधा खड़ा करो, पहले उसे नीचे से पकड़ो। बेटा हिलो मत। हाँ हिलो मत, फोटो खींचना तुम्हारा। स्माइल करो बेटा, चलो। ये वेरी गुड, बढ़िया बेटा, अब लग रहे हो इंटरनेशनल माल तुम, कनाडा के ना। कोई तो था यहां पर, पकड़ो उसे। बदलीपुर में तू बटुआ चुरा कर भाग जाएगा और किट्टी से बच जाएगा? इम्पॉसिबल। चल बटुआ दे। साइकिल ठीक करा लियो अपने, चल। अरे कोई नाटक चल रहा है यहाँ पर? हाँ अपना काम करो। ओए प्रिंस, प्रिंस नाम है हमारा। हाँ हाँ प्रिंस, मैंने इतनी मेहनत से तेरा बटुआ बचाया ना, तो मैं ही इसे तुझे दूंगी। चल थैंक यू बोल। किस बात के लिए? मैंने तेरा बटुआ बचाया है। तो हमने कहा था कि हमारा बटुआ बचाओ। नहीं पर हमने कहा था कि हाय हम लूट गए, हमारा बटुआ बचाओ। नहीं पर तो थैंक यू, तुम हमें बोलो। क्या? हाँ, क्योंकि हमारी वजह से आज तुम्हें वापस नौटंकी करने का मौका जो मिल गया। बच्ची के
बेटी से पंगा लेके बच जाएगा? इम्पॉसिबल। किस्मत किस्मत बहुत तेज है तेरी लड़की की, जो एमडीजी अपने बदलीपुर आए हैं। अच्छा, लेकिन कभी नाम नहीं सुना। पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है एमडीजी, मतलब अपने ये मिलन देव जी। कितना पवित्र नाम है ना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोगरे की अगरबत्ती सुगंधित कर दी हो। वैसे ये करते क्या है? अरे शादियां करवाते हैं, शादियां, एक से बढ़ के एक रिश्ते, लंदन, अमेरिका, कनाडा। अबे पत्रकार, तुझे क्या लगता है हा? कि तू कोई क्रांति लेकर आएगा? नहीं, कभी भी प्यार से पूछ रहा हूँ, पता कि चिपका है। लंदन, अमेरिका। तुझे क्या पता, तू कभी गई है स्कूल? लड़की की हामी तो आजकल बहुत जरूरी होती है, तो हमारी किटी मानेगी क्या? कर दी ना मनहूस बात, मानेगी से क्या मतलब? आप समझ नहीं रहे जी, बच्ची है अभी, अरे 16 की तो है, वो आगे पढ़ना चाहती है। ज्यादा पढ़ के क्या पालेगी, बनानी तो घर में रोटी है। अरे लेकिन हमारी किटी को तो गेहूं और जवारी का फर्क भी नहीं पता। लेकिन आप है ना, तो थोड़ा ज्यादा दहेज जी के सब सेट कर देना, है ना? तो तुझे क्या लगता है, ऐसे ही हो रहा रिश्ता? अपनी जबान और 20,000 रुपए नकद दोनों देके आया ये बजरंग यादव, ताकि एमडीजी कोई गुड बॉय जैसा लड़का तेरी बेटी के लिए ढूंढ के निकाले। मैं शादी नहीं करूंगी। पूछा नहीं है तुझसे? मैं अभी बता रही हूं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। कद के साथ जबान भी लंबी हो रही है तेरी, शादी नहीं करूंगी तो क्या करेगी? जैसे कि आपको जानते नहीं। शाम को एमडीजी के यहां जाना है। हाँ? हंस के चलना है या रोके ये अपनी मां के साथ तय कर लेना। गुलिया ठीक करो और खाना खा लो, चलो। जाएगी जी, आपने बहुत ही अच्छा किया जो एएमडीजी को अपने गांव में बुला लिया। पंडित जी, अपने गांव के विकास के लिए हमें सब करना पड़ता है। अरे भाई, किसी ने अदरक को देखा है? तुम मुझे वहां ढूंढ रहा और मैं तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा? अरे अरे ध्यान से, गिर जाएगा। अरे गिरूंगा नहीं तो उठूंगा कैसे? और वैसे भी अदरक तुम्हारे लिए इतना रिस्क तो ले ही सकता है, पहले भी देश आजाद है। सब प्रिपरेशन आप लोगों के लिए कर रहे हैं। नमस्ते। अरे नमस्ते का आंसर तो दे। बाबू जी आप यहाँ? अरे ठीक से करो ना साहब। हाँ राइट है, हम हैं ना, एकदम देख लेंगे, लुक आफ्टर करेंगे सब एकदम। पहले अपने बाप के सामने ठीक से खड़े होना सीखो। चार आंखें हैं हमारी, हम सब देख रहे हैं कि तुम क्या देख रहे थे। इस वक्त तुरंत घर जाओ और अपना ये हुलिया बदल कर शाम को वापस आना। जाओ। तारा,
हमारा टैबलेट दीजिए। तारा सर दो मिनट। तारा हम कह रहे हैं रुको। तारा रुकिए। तारा अरे प्रिंस, तारा ये क्या उद्यम मचा रखा है? टैप दो हमारा। हम कह रहे हैं टैप दो हमारा। भी नहीं छूटता इससे। ये मैं क्या सुन रहा हूं प्रधान जी? नई मास्टर नहीं बुलवाई है आपने शहर से? हाँ सुना तो ठीक ही है आपने। अरे मैं तो सालों से संभाल ही रहा हूं ना, लेकिन ये जो अंग्रेजी में किटपिट 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 करने वाली मैडम आएगी ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना। और फिर लड़कियां कहाँ टिकती हैं स्कूल में? शादी वादी करती हैं और निकल जाती हैं। अदरक अदरक वाली चाय पियो मास्टर साहब, तुम भी प्रधान जी। वो क्या है कि मैं मास्टर जी, यहाँ की लड़कियों को थोड़ा बहुत जोड़ घटाओ तो सीख लेना चाहिए कि नहीं? अब आप खुद ही देखिए, AMD जी विदेशों से रिश्ते भेज रहे हैं यहाँ के लिए। लड़के वालों की भी तो कुछ उम्मीद होगी ना कि लड़की को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता हो। अरे प्रधान, अरे मां साहब, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पियो ना, दिमाग ठंडा रहेगा। अभी गर्म चाय से दिमाग ठंडा कैसे हो जाएगा? अंदर बाहर का तापमान एक हो जाएगा ना। अदरक जी प्रधान, वो जो नई मैडम आ रही है ना, उसके रुकने की व्यवस्था तुम्ही को करनी है। अरे क्या हुआ मां साहब? अरे बात कड़वी है। तुम्हारी जबान या चाय? मैं जबान लड़ाता है, मासा मारना नहीं है। अरे नमक मिला था। आप क्या इस अनाथ बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं? मात साहब है, कोई लाज साहब नहीं है। टिप टप करके रख दूंगी, ब्यूटी एंटी नाम है मेरा। हाँ एक औरत इतना सामान लेके आपके सामने खड़ी है और आपके दोनों हाथ खाली। लीजिए पकड़िए। अरे पकड़िए। Follow me. तारा तारा की बच्ची तू यहाँ छुपी है? कुछ मिला? अरे हाँ अभी टैब में ना सर्च करता हूँ। अरे किटी नो रिजल्ट्स। अरे अच्छा काम कर, पूरा नाम टाइप कर। आचार्य मिलन देव। मिलन देव, इसके लिए भी नो रिजल्ट्स। इसका मतलब इस नाम का कोई फेमस आदमी है ही नहीं। हाँ वरना गूगल अंकल को पता ना हो। नो चांस। वही मैं सोचू, इसका नाम सुनते ही वैसे फ्रॉड जैसी फीलिंग क्यों आ रही थी? 420 लगता है। बस हाथ जोड़िए, और कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए। आचार्य मिलन देव जी की, आचार्य मिलन देव जी की। ये है मिलन यंत्र, ये देखिए कितने खुश हैं ये लोग। प्रेम में ही असली खुशी है और यही खुशियां बांटने के लिए मैं आप लोगों के बदलीपुर में आया हूं। अब मुझे एक सवाल करना है। किटी चुप। हाँ हाँ पूछो बेटा।
मेरी शादी कराएंगे? हाँ क्यों नहीं, अवश्य। ये मिलन यंत्र इसलिए तो लेकर आए हैं, असली खुशियां बांटने के लिए। अब पर क्या है ना, मैं 16 साल की हूँ। तो क्या हुआ? नहीं नहीं आप समझे नहीं, 16, सिर्फ 16 साल की हूँ, 18 की भी नहीं हुई अब तक। आप लोगों को ये ठीक लगता है इतनी कम उम्र में मेरी शादी? उम्र का क्या है, उम्र तो तन की होती है जो नश्वर है, मिलन तो मन का होता है जो अमर है। तुम मेरी तरह भविष्य की खुशियां नहीं देख पा रही हो। आहा, भविष्य की खुशियां, फिर तो आपको अपना भविष्य भी दिख रहा होगा जेल में, असली खुशियों वाला। ए लड़की, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? मदन, पर आचार्य जी, शांत शांत मदन, चंचल है ये लड़की, मन से चंचल है ये, भला बुरा नहीं जानती, नादान है। अरे बजरंगी संभाल अपनी बेटी को, क्या अनाप शनाप बोलती चली जा रही है? मैं बोलता हूँ लड़की को। अरे अरे आप शांत रहिए, वो छोटी है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है, आप लोग थोड़ा शांति से काम लीजिए। अदरक इंसान इंसान के काम आता है, लाइट नहीं तो फाइट नहीं। लड़की हो तो क्या सब खेल लेंगे? इम्पॉसिबल। डोंट वरी, इस हाथ के पराठे और कराटे दोनों में ही बहुत दम है।
हट गए अदरक को देख के। तुम तो बिल्कुल मैरी कॉम की तरह फाइट करती हो। कौन थे ये लोग, तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो सब छोड़िए, आप कौन है? रोशनी। किट्टी, आई मीन मेरा नाम किट्टी है। अदरक, अदरक, अदरक। हाँ, नाम तो कुछ भी हो सकता है, देश आजाद है, तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ पे। अभी अभी आई हूँ, स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ। अभी तक स्कूल में हो? पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ाती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी टेक केयर करने का जिम्मा वैसे भी प्रधान जी ने मुझे ही दिया है। मैं तुम्हें तो लेने बस स्टैंड जा रहा था। ओह अच्छा। हाँ। किटी तुमने बताया नहीं, वो कॉल लोग थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। यार किटी, मुझे आचार्य मिलन देव जी के लोग लग रहे थे। हाथ जोड़िए और कुछ ना बोलिए। चुप कर। अच्छा मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया ना। ओके बाय। ओए सुन, तू बवाल काटे भी ना मानेगी नहीं ना। एक काम करता हूँ, तेरे यहाँ की भी लाइट घर की काट देता हूँ आगे। अदर के चक्कर क्या है? अरे तुम चलो, मैं पूरी राम कहानी बताता हूँ। कमाल है गुरुजी, आप यहाँ आराम से बैठकर मन मन मुस्कुरा रहे हैं और उधर उस लड़की ने जीना हराम कर कर रखा है। देखा नहीं आज आपने, सब लोगों के सामने कैसे सवालों पर सवाल मारे जा रही थी। मदन, सवालों से बवाल नहीं हुआ करते, हमने जो सपने दिखाए हैं ना, वो उसके सवालों से बहुत बड़े, बहुत बड़े। कोई कुछ नहीं मानेगा। पर गुरुजी, आप यूं ही किसी को माफ नहीं कर देते? नहीं, करेंगे ना। मदन तू बहुत भोला है रे, बहुत भोला। हाँ? क्या सही समय पर याद आया है, भोला। ए लसुत बाबू, ये चाल मारी। सबका गलतियों के साथ, सब गलती क्या हो साहब? इससे करवाएंगे किट्टी की शादी, उसकी जिंदगी नरक बना देगा, नरक। दिमाग खराब करके इस लड़की, अब देखो अभी तक पहुंची नहीं। नहीं तू ही संभाल लेना बस। पता किटी, किटी कहाँ रह गई थी तू अभी तक? हाँ, मुझसे पहले निकली थी ना, इतनी देर से क्यों पहुंची तू? तुझे पता है तेरे पापा कितने नाराज है? अरे इतना अनाप शनाप बोलने की क्या जरूरत थी? सारा बदलीपुर देख रहा था, ना कट गई हमारी, किस किस को। इधर आओ, उससे बात कर रही हूँ मैं, कुछ बोलेगी? माँ, मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कोई भी बोले मुझे। मैं ये बात 10 बार बोलूंगी, 100 बार बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। ओके, कौन करेगा तुझसे शादी? हाँ, करेगा कौन तुझसे शादी? अरे लड़की ऐसी होती है क्या? और ये क्या कर रही है तू? हाँ, भूख लगी है, तू रोटी सब्जी कुछ लेके खा ले, दिमाग चलेगा तेरा। पागल हो गई ये लड़की। अरे सुन तो सही मेरी बात, कहाँ जा रही है तू? यहाँ क्या कर रही है तू? हाँ, अपने गुनाहों की सजा काटने। गुनाहों की सजा? किट्टी, कहाँ है वो लड़की? आज से घर से निकलना बंद। अभी आपको सिर्फ दरवाजा बंद करना है, देखो आपका काम इजी कर दिया मैंने। धीरे बोल, पापा से माफी मांग लियो, सब ठीक हो जाएगा। किट्टी कहाँ है तू? तो यहां बैठी है तू। पता है ईश्वर जी कितना नाराज हो रहे थे? बदलीपुर के मेहमान का अपमान किया इस लड़की ने, अतिथि देवो भवा भूल गई। 2 दिन यहां बंद रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब तक ये शादी के लिए नहीं मानती और AMDG से माफी नहीं मांगती, इसका खाना पीना बंद। सुन रही हो तुम? सुना। खाना पीना बंद। और मैं कल सुबह AMDG के पास जाके इसकी करतूतों की माफी मांग के आता हूँ, कहीं कोई अच्छा लड़का हाथ से निकल ना जाए। चलो अब। जी जी, चलिए मैं आ रही हूँ। और दरवाजा बाहर से बंद कर देना। आप मुझे माफ कर दीजिए आचार्य जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
अगर मुझे जरा भी इस बात का अंदाजा होता तो मैं कभी भी ये होने नहीं देता। आचार्य जी यार देखो। अरे बजरंग जी, बजरंग जी, बजरंग जी, क्या कर रहे हैं? मेरे बस में नहीं था। बस बस बजरंग जी बस। मदन ये देखिए आप, क्या लाया हूं मैं आपके लिए। मुझे लगा आप नाराज होंगे, लेकिन आप तो देवता आदमी है आप। अरे गुस्सा होना तो दूर, आप मेरी किट्टी के लिए नंबर वन लड़का ढूंढ लाए हैं। बजरंग जी बच्ची है, बचपना करेगी तो क्या दिल से लगा लेंगे? जब संसार के सारे नियम सीख जाएगी ना तो बंधन में बन जाएगी। मैं किसी भी बंधन में नहीं बंधूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किट्टी शादी के बंधन में नहीं बंधेगी। मैं शादी नहीं करूंगी, अभी तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तारा अभी भी बोल रहा हूं, उसकी हेल्प करने में हमारा कोई फायदा नहीं है। ज्यादा आजादी बच्चों को बिगाड़ देती है। जब घर की चिड़िया उड़ने लगे ना तो फौरन उसके पर काट देना चाहिए। अब मैं उड़ी फुल। चल चल, गलती से गिरी। अरे किटी आप पीछे से? मैं तुझे क्या बताऊं तारा? चीज क्या हो तुम, हर टाइम उठा पटक। वैसे आप क्या कह रही हो? उस फ्रॉड का भांडा फोड़ने। अगली सभा में मैं किट्टी की सगाई इस लड़के से करवाऊंगा, सब अच्छा होगा। बस आप तो शगुन की तैयारी करिए। तारा चल निकलते हैं, ये लड़की पागल हो चुकी है। ओ हेलो, मेरी सिचुएशन में ना कोई भी पागल हो जाएगा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। भाई आपको याद है ना हम इनकी हेल्प करने आए थे? अरे ये क्या हेल्प करेगा मेरी, एक नंबर का डरपोक है ये। टोले शोले ना सिर्फ हवा है हवा, सिर्फ नाम का प्रिंस है, कोई नाम मत लो रे इसका। ए, कुछ भी बोलना पर प्रिंस को डरपोक मत बोलना, हम डरते नहीं है किसी से। भाई 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 इज्जत का मामला है। बकवास आइडिया। लेकिन फिर भी किटी हम आगे से नहीं पीछे से जाएंगे, फॉर सेफर साइड। अरे कितनी भारी है। अबे प्रिंस। अरे नीचे उतरो यार। अबे ओए। बकवास आइडिया, बिल्कुल बकवास। ना ही हम आएंगे और ना ही तारा, तुम्हारे यहाँ तक आने में हेल्प कर दी वो ही बहुत है। अरे एंड टाइम पे धोखा देगा? कोई धोखा होगा नहीं। एक मिनट दादाजी। जी दादाजी। हाँ जी बस दादाजी घर के पास ही हूँ, अभी आए। हाँ जी दादाजी का फोन था, दादाजी की गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को साथ लेके जाना होगा। साथ चलो, तुम्हें घर छोड़ दूंगा, चलो। नहीं भाई प्लीज ना, मुझे किटी के साथ रहना है। चल चल जाएंगे। तू
इतने क्या हो रहा है यहाँ पे है? ओहो, अंदर घुसने की कोशिश। कल कर आया था, कम पड़ गया था, यहाँ भी फैलाने आ गई। माय लाइफ माय चॉइस। अरे यार किटी, अंदर जाने कैसे जाएंगे? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करेंगे। ए, वीडियो गेम खेलने वाले ना चोर पुलिस का खेल नहीं खेला करते। मेरी मानो, घर चले जाओ। अदरक, हम दोनों में से किसी ने तुझे पूछा नहीं ना, तो तू जा रहा है यार, प्लीज अपना काम करना। मेरा काम तो हो गया, नाश्ता पानी पूछने आया था, दोबारा पूछने आ जाऊंगा। देश आजाद है। किटी, ये खोल सकता है क्या? ताला। अदरक? पर खोलूंगा नहीं, अदरक किसी के लफड़े में अपनी टांग नहीं फंसाता। रिकॉर्ड रहा मेरा, और हाँ रिकॉर्ड टूट भी सकता है अगर नगद नारायण पुकारे तो। हाँ हाँ चल चल, दे देंगे। तू कर सकता है तो कर जल्दी, चल चल तू देख। इज्जत ही नहीं है यार। ए, तारा लाइट ऑन करना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है भाई, बंद हो ना। अदरक यार, माँ कसम इसे बोलते हैं जुगाड़, अदरक का जुगाड़। अरे वाह, नकली बाल, ये लोग तो ब्यूटी आंटी के रिश्तेदार लगते हैं। ये देख, ये तो फोटो स्टूडियो टाइप लग रहा है। पर हमारे बदलीपुर के गेस्ट हाउस में क्यों? गेस्ट हाउस में फोटो स्टूडियो क्यों? क्यों फोटो स्टूडियो? ए, ए, एक मेरी फोटो खींचना। क्यों? ए, मुझे क्या पता क्यों, पर मैं जा रहा हूँ और जो हिसाब होगा बना के भेज दूंगा। ये काम तुम अपने रिस्क पे कर रहे हो समझे? देश आजाद है। देश आजाद है, छोड़िए ना, हम जो करना है वो करते हैं ना। हाँ। किटी, ये देखिए, ये कैमरा का केबल लैपटॉप से कनेक्टेड है, कुछ तो गड़बड़ है, शायद हमें लैपटॉप चेक करना पड़ेगा। जल्दी चेक कर। किटी, हाँ? ये देखिए, मिल गया। वो जो विदेश वाले लड़कों की फोटो है ना, हाँ? सब झूठी हैं। इन दोनों फोटो को मिला के बनाया। कैसे? फोटोशॉप, बहुत इजी है। ये देखिए, ये जो लड़के की फोटो है ना, हाँ? ये इस हरे पर्दे के आगे खींची गई है, और ये रही आईफिल टावर की फोटो। अब हम इस लड़के के फोटो को आईफिल टावर के साथ जोड़ देंगे। देखिए, अब ऐसा लग रहा है ना कि लड़का आईफिल टावर के आगे खड़ा है। लेकिन तारे जी, काफी नहीं है उन्हें फ्रॉड साबित करने के लिए, हमें कुछ और चाहिए, कुछ और। चेक करते हैं धीरे। सॉरी, ये बोतल मैंने फेंकी थी, आप ठीक तो हैं? आपको मिलन देव, मेरा मतलब एएमडी ने बांध के रखा है। उसके खिलाफ सबूत है मेरे पास। वो कैसे? मैंने उसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग एक चिप में रिकॉर्ड है, जिससे उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। कहाँ है वो चिप? तेरी इतनी मेहमान नवाजी काफी है, और करूं? चुपचाप तू मुझे उस खुफिया कैमरे की चिप बता दे।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ रखी है तूने वो चिप? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? मिलन देव की कुर्सी में जिस पर बैठकर वो प्रवचन देता है, कुर्सी में, पर मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी? अकल ठिकाने आ गई हो तो चल के एमडी जी से माफी मांग और चुपचाप इस लड़के से शादी कर। अगर आप दोनों को लगता है कि मुझे पढ़ाई छोड़कर कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए तो ठीक ही लगता होगा। मेरा मतलब है कि आप दोनों मेरे माँ पापा जी हैं, तो जो भी मेरे लिए सोचते होंगे अच्छा ही सोचते होंगे ना। ठीक है, कर लूंगी शादी। वाह कमलेश, तू सही थी। हाँ। एक ही रात में अकल ठिकाने आ गई लड़की की। शाम को AMDG के यहाँ जाना है, अच्छे से तैयार कर लेना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। बदलीपुर के लोगों की आप काफी परवाह करते हैं। अब बदलीपुर अपने परिवार जैसे ही है, सब अपने ही तो लोग हैं। फिर तो आप किट्टी के मामले में भी ध्यान दे रहे होंगे, इतनी कम उम्र में उसकी शादी। रोशनी जी, बदलीपुर के अंदर कानून से ज्यादा जरूरी है यहाँ के रीति रिवाज, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है यहाँ के संस्कार, और सबसे जरूरी है इज्जत। आप नई नई है, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको समझने में। धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। माँ बहुत भूख लगी है, खाना खिला दीजिए। ये हमारे पोते हैं प्रिंस, हमारे खानदान का नाम यही रोशन करेंगे। हेलो, ये कौन है? ये हमारी पोती है तारा। ओ, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ, हमारे साथ खाना खाओ। बस हाथ जोड़िए और कुछ ना बोलिए। आज ये मिलन यंत्र बोलेगा, खुशियों का पिटारा खोलेगा। ये मिलन यंत्र बताएगा कि कौन सी लड़की के लिए कौन सा लड़का अच्छा है, सच्चा। पर कौन होगी वो खुश नसीब लड़की जिसके नाम से होगा शुभारंभ? यह है वो खुश नसीब लड़की किट्टी। तो आज का पहला वर तय होगा इस किट्टी के लिए। मिलन यंत्र, अब ये बताओ कि वो लड़का कौन होगा जो किट्टी के भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा। भोला कनाडा का रहने वाला है, इसके पास अपना खुद का घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है इसके पास। अब किट्टी क्या करेगी? मुझे तो लगता है हवन करेगी। हवन? मुझे क्या पता। मिलन देव जी, ये
मैं ना आज आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। वो क्या है ना, पिछली बार मैंने कितना अनाप शनाप बोल दिया आपको, तो भी आपने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ दिया। एक मिनट, हाँ उस दिन मैंने सबके सामने आपका अपमान किया, आज मैं सबके सामने आपके पैर छू के आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आए? गलती इंसान से होती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। आचार्य मिलन देव जी की जय। आचार्य मिलन देव जी की जय। सदा मैं तेरे किट्टे में। उठो बेटा, अब सगाई भी हो जाए। दुल्हन तो है, अब दूल्हे को भी बुलाया जाए। बोला आओ आओ बोला। अरे भाई, लड़की के माता पिता आप भी आ जाइए। वरमाला लाई जाए। ये रही वरमाला। अरे आचार्य जी, क्या सोच रहे हैं, वरमाला कोई और लाया मैं लाऊं? देश आजाद है। तारा वॉशरूम। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाकर इस रिश्ते पर विश्वास की मोहर लगा दो। बर्बादी है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, कम उम्र में शादियां करवाना इसका बिजनेस है। हम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में ही इसका फायदा है। और ये कोई मिलन यंत्र नहीं, एक नॉर्मल कंप्यूटर है। चिट्टे, चुपचाप माला पहनाओ, वरना तुम अपने बाप को जानती हो। जानती हूँ पापा, लेकिन आप अपनी बेटी के मन को कभी नहीं जान पाए। टिट्टी, चुप हो जा। पापा से दुकान लड़ा रही तू? अभी ये कौन है? अरे भैया, यही तो है लड़का। अबे तुम्हें यही मिला था? अरे भैया, देसी दारू के ठेके में पड़ा हुआ था, दिखने में अच्छा लगा, उठा के ले आया। अबे दिखने में अच्छा लगा, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इसकी फोटो भिजवाओगे तुम लड़की वालों को? लेकर जाओ इसको, थोड़ा फ्रेश करके लाओ। भैया ये तो पीछे पूरा हरा हरा हो रखा है। बेटा यही तेरा कनाडा और यही तेरा अमेरिका है। ले बेटे, बच गई तेरी पुंगी। आचार्य जी, ये सब क्या है? झूठ है सब, मेरे खिलाफ की गई साजिश है ये, साजिश है ये सब कुछ। जो दिख रहा है वही सच है। मैंने रोशनी मैम को बोला था पुलिस को लाने के लिए।
तारा टीवी का रिपोर्टर, ये एएमडी आपका मिलिंद देव एक नंबर का फ्रॉड है। जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इसने, शादी के नाम पे ठगता है। पुलिस को बहुत दिनों से तुम पे नजर थी, अलग अलग शहर में अलग अलग भेष बदलकर लोगों को ठगते हो। चल। हाँ, एक मिनट, हाथ जोड़िए और कुछ ना बोलिए। चल। शाबाश किटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। अगर तुम लोग नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। और मैं तो हमें भी मालूम है, कुछ नया बोलो। और एक बात और, अपनी किसी भी नौटंकी से तारा को दूर रखना। गौरव, चल तारा। हाय खड़ूस। वैसे मोहतरमा, मैं ये सोच रहा था कि हम तीनों की टीम कमाल लगती है। चल चल, सपने देखना छोड़ दिए, कोई क्रिकेट का मैच नहीं और जो टीम बनाता फिर रहा है। अच्छा बोल, तेरा टोटल लगन नारायण कितना है? सुबह से टोटल नहीं किया, चोर पुलिस का खेल खेल रहा था ना, बिल भिजवा दूंगा। डिस्काउंट तो मिलेगा ना? कर दूंगा, अरे चाय का अलग से ऐड करूंगा। देश आजाद है। तारा चल। चल तारा, बाय 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 बाय, गुड नाइट नान देवी। चाय पी लेना ध्यान से। AMD देखा किटी ने कैसे भांडा फोड़ दिया आचार्य मिलन देव का। लेकिन अदरक और तारा ने भी तो मदद की इसमें। हाँ, पर अदरक नगद नारायण लेता है ना अपने काम का। हाँ, लेकिन किटी और तारा ने दिए क्या, वो बेचारा हिसाब में लिखता रह गया। खैर जो भी है, पर ये तीनों जिस तरह से जासूसी करते हैं, दीवारों पर चढ़ते हैं, कूदते हैं, हमारे आसपास ऐसा कोई नहीं करता। और आप भी मत करिएगा, इसमें खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे ये अच्छा है, ये तीनों जो है मिलकर जासूसी कर रहे हैं एक साथ। जैसे हम दोनों भी साथ साथ है ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, और अब तो रोशनी मैडम भी इनके साथ है। अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर आपके मम्मी पापा आपसे कह दे कि बेटा बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब ना शादी कर लो, तो? अब किटी ने तो अपने मम्मी पापा से साफ साफ कह दिया कि शादी सही समय और सही उम्र पे ही करेगी, पढ़ाई की उम्र में सिर्फ पढ़ाई। पर हर लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता है, पक्का इरादा कर लेना। आप क्या करेंगे अगर आपके माँ बाप आपसे शादी करने को कहे और आप नहीं करना चाहते? आपस में बात कीजिए, है कि नहीं? देखो किटी ने तो अपनी शादी रोक ली, अगर आपको अपनी शादी रोकनी है तो आप क्या करेंगे? और बच्चों के मम्मी पापा अगर आधा फुल देख रहे हैं तो आप बताइए, छोटी उम्र में क्या है ज्यादा जरूरी, शादी या पढ़ाई, और क्यों? आपस में बात करिए, हम फिर आएंगे आधा फुल की दुनिया में आपको ले जाने के लिए। अदरक, तारा और किट्टी के और रंगीन और नए किस्सों के साथ। ये है आधा फुल, जहां हर आधा कदम फुल हो जाएगा।